जरा सोचो अगर किसी आदमी को बिना किसी गलती के पकड़कर टॉर्चर किया जाए, लेकिन जब वो बदला लेने आएगा तो सबके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अकेला एक अंधेरे जंगल से गुजर रहा था। वो पूर्णिमा की रात थी और अचानक किसी वैशी जानवर ने उस पर पीछे से हमला करके उसे मार डाला। दूसरी ओर उसकी पत्नी ग्वेन बहुत परेशान थी क्योंकि उसका पति कई दिन से घर नहीं लौटा था। उसने बेन को ढूंढने के लिए उसके भाई लॉरेंस से मदद मांगी, लेकिन लॉरेंस ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अगले दिन वो ट्रेन पकड़कर अपने पुश्तैनी घर में गया। वहां पहुंचकर उसके पिता जॉन ने बताया कि पास के जंगल में उसके भाई बेन की लाश मिली है। उन्होंने ग्वेन को भी इस बारे में बता दिया था और वो भी वहां पहुंच चुकी थी। अगली सुबह लॉरेंस बेन की लाश देखने पहुंचा। सबके मना करने के बाद भी वो अपने भाई की लाश को एक आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन लाश की इतनी बुरी हालत देखकर वो बेहद डर गया। रात के समय उसने कुछ लोगों को गांव में हो रही रहस्यमयी मौतों के बारे में बात करते सुना। कुछ लोगों का मानना था कि ये किसी भालू का काम है, तो वहीं कुछ लोग सोचते थे कि गांव में कोई राक्षस घुस आया है। उन लोगों को पास में रहने वाले आदिवासियों पर भी शक था। उन्होंने बताया कि 25 साल पहले भी एक किसान को ऐसे ही किसी रहस्यमय जीव ने मार डाला था और तब से उसकी पत्नी पूर्णिमा की रात को बाहर नहीं निकलती। रात को घर लौटकर लॉरेंस ने अपने पिता से बेन की मौत के बारे में पूछा। जॉन को लगता था कि बेन को जरूर एक शेर ने मारा है। इसके बाद लॉरेंस ने ग्वेन से मिलकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। उसने बेन की अंगूठी और कुछ चीजें ग्वेन के हवाले कर दी। सोने से पहले अपने कमरे में वो अपने भाई को याद कर रहा था। उसे याद आया कि बचपन में एक रात को तेज आवाज की वजह से दोनों भाई उठ गए थे। बेन थोड़ा डरपोक था, इसलिए लॉरेंस अकेले ही बाहर देखने गया। उसने देखा कि उसकी माँ को किसी ने मार दिया था। इस सदमे के बाद वो पागल सा हो गया और उसे जबरदस्ती पागल खाने भेज दिया गया। वर्तमान समय में पूरे परिवार ने बेन का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन ग्वेन अपने घर लौट गई, लेकिन लॉरेंस ने वहीं रुककर बेन की मौत का राज पता लगाने का फैसला किया। पूर्णिमा की रात को जॉन ने उसे बाहर जाने से मना किया था, लेकिन वो फिर भी आदिवासियों के ठिकाने पर जा पहुंचा। उसने अपने भाई के बारे में पूछा, लेकिन कुछ गांव वाले आकर आदिवासियों के भालू पर लोगों की मौत का इल्जाम लगाने लगे, लेकिन अचानक से एक वहशी भेड़िये ने लोगों पर हमला कर दिया। लॉरेंस ने तुरंत बंदूक से उस भेड़िये पर हमला कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसका निशाना चूक गया। वो भेड़िया एक लड़के के पीछे जंगल की ओर भागा और लॉरेंस ने भी उसका पीछा किया। धुंध ज्यादा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उस भेड़िये ने मौका देखकर उस पर हमला बोल दिया। खुशकिस्मती से कुछ लोगों ने सही मौके पर पहुंचकर उसे बचा लिया, लेकिन लॉरेंस को काफी गहरी चोटें लगी थी। फिर एक आदिवासी औरत ने उसके घाव सील कर उसकी जान बचाई। अब लोगों को यकीन हो गया था कि ये कोई आम भेड़िया नहीं है, तो उन्होंने उस औरत पर लॉरेंस को मारने का दबाव बनाया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लॉरेंस भी उस वैशी जानवर में न बदल जाए। लेकिन उस औरत ने कहा कि हर किसी को एक दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए। इसके बाद लॉरेंस कई हफ्तों तक घर पर ही पड़ा रहा। वो उठ भी नहीं पाता था और उसे बेहद डरावने सपने आते थे। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर ग्वेन ने उसकी देखभाल शुरू कर दी। एक दिन लॉरेंस अचानक उठ गया और उसे अपना शरीर भी बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसके शरीर पर लगे सारे घाव भी भर चुके थे। रात को वो घर के नौकर सिंह के पास गया, जो हथियार और कुछ चांदी की गोलियों को इकट्ठा कर रहा था। उसे पता चला कि उन्हीं गोलियों से नर भेड़िये को मारा जा सकता है। अगले दिन फ्रांसिस नाम का एक इंस्पेक्टर लॉरेंस से हादसे के बारे में पूछताछ करने आया। लॉरेंस ने बताया कि एक रहस्यमय जानवर ने उस पर हमला किया था, लेकिन फ्रांसिस को उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं था क्योंकि लॉरेंस पागल खाने में हुआ करता था। इस बात का पता चलते ही लॉरेंस ने उसे बाहर भगा दिया। शाम को ग्वेन के साथ बात करते हुए उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, लेकिन ग्वेन को तो कुछ नहीं सुनाई दिया। असल में उस नर भेड़िये के काटने के बाद से लॉरेंस की सुनने और देखने की शक्ति 10 गुना बढ़ चुकी थी। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ आदमी लॉरेंस को बंदी बनाने आए थे क्योंकि उसे उस नर भेड़िये ने काटा था। अब उनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो उसे मार दिया जाए या फिर आज पूर्णिमा की रात को उसे बांध कर रखना होगा। जब लॉरेंस ने उनके साथ चलने से मना कर दिया तो वो उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने लगे। तभी एन मौके पर जॉन अपनी बंदूक के साथ वहां आ पहुंचा और उसने ये साफ कर दिया कि उसका बेटा अपनी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाएगा। बाद में जब ग्वेन लॉरेंस के घाव पहुंच रही थी तो उसे ग्वेन के दिल की धड़कने सुनाई देने लगी। वो तेजी से अपने कमरे में गया और उसने देखा कि उसके शरीर पर लगे सभी घाव मानो गायब हो गए थे। अब उसे भी नर भेड़िये वाली बात पर विश्वास होने लगा था, इसलिए उसने ग्वेन से जल्द वहां से दूर जाने को कहा। ग्वेन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्यों, लेकिन लॉरेंस ने समझाते हुए कहा कि ये सब उसी की सुरक्षा के लिए है। उधर गांव वाले नर भेड़िये को मारने के लिए चांदी की गोलियों का इंतजाम करके घात लगाए बैठे थे। फ्रांसिस भी सच का पता लगाने के लिए वहीं नजर गड़ाए घूम रहा था। जब लॉरेंस ने अपने पिता को रात के समय अकेला घूमते देखा तो वो भी उनके पीछे
नीचे हो लिया। कुछ देर बाद वो अपनी माँ की कब्र के नीचे खुफिया कमरे में पहुंचा, जहाँ एक कुर्सी उसकी माँ की तस्वीर के सामने पड़ी थी। तभी जॉन अचानक वहाँ आकर कहने लगा कि वो तो अपनी पत्नी की मौत के कुछ साल बाद ही मर गया था। थोड़ी बातचीत के बाद उसने लॉरेंस को बाहर भेजकर दरवाजा बंद कर लिया। इससे पहले कि लॉरेंस कुछ समझ पाता, वो एक भेड़िए में बदलने लगा। उसकी दहाड़ पूरे गाँव में सुनाई दे रही थी। फ्रांसिस भी आवाज का पीछा करने लगा, लेकिन लॉरेंस ने पहले ही गाँव वालों तक पहुँच कर उन्हें बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। फ्रांसिस ने चारों ओर खून देखा और न जाने क्यों उसका पहला शक लॉरेंस पर ही गया। अगले दिन खून से लिपटा लॉरेंस एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उसका बाप जॉन भी वहीं मौजूद था और तभी फ्रांसिस भी कुछ पुलिस वालों को साथ लेकर वहां आ गया। इस बार जॉन उसे नहीं बचा पाया क्योंकि उसका बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसे एक पागल खाने में कैद करके जहरीले ड्रग्स और जोरदार बिजली के झटके दिए जाते। कई घंटों तक बर्फ में रहकर वो पागल सा होने लगा। उसे ऐसी चीजें दिखाई और सुनाई देने लगी जो असल में थी ही नहीं। उसकी तबीयत अब काफी बिगड़ने लगी थी। एक हफ्ते बाद जॉन उससे मिलने आया और उसे अपनी कहानी बताई। असल में कुछ साल पहले वो शांति की खोज में भारत गया था, जहां उसे कुछ गांव वालों ने बताया कि वहां एक लड़का नर भेड़िया बन गया है। जॉन उनकी बात पर यकीन ना करते हुए उस लड़के के पास गया, लेकिन उसने उसे काट लिया। वापस लंदन आकर उसने अपना इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पूर्णिमा की रात को उसने भेड़िये में बदल कर अपनी ही पत्नी को मार डाला। इस बात का उसे बहुत पछतावा हुआ और तब से लेकर 25 साल तक वो हर पूर्णिमा की रात को खुद को उस खुफिया कमरे में बंद कर लेता था। लेकिन ग्वेन में उसे अपनी पत्नी की झलक दिखाई देने लगी। उसे अपने ही बेटे से जलन महसूस होने लगी, क्योंकि जब तक वो उसकी पत्नी है वो ग्वेन को नहीं पा सकता। इसी चक्कर में उसने खूब शराब पीनी शुरू कर दी और पूर्णिमा की रात को अपने नौकर सिंह को चकमा देकर कमरे से भाग गया और उसने अपने ही बेटे को बेरहमी से मार डाला। ये सुनते ही लॉरेंस गुस्से में भर कर अपने बाप की ओर बढ़ा, लेकिन वो बेड़ियों में बंधा हुआ था, इसलिए जॉन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। रात को पागल खाने का डॉक्टर बाकी लोगों को ये दिखाना चाहता था कि लॉरेंस के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है, ये तो बस पागल है। लेकिन पूरे चांद के उसकी आंखों के सामने आते ही लॉरेंस एक वैशी नर भेड़िये में बदलने लगा। हर तरफ भगदड़ मच गई। उसने पहले तो डॉक्टर को मार डाला और फिर बाकियों पर हमला बोल दिया। इसके बाद वो पागल खाने से भाग गया और सुबह होने पर पहले जैसा हो गया। फिर वो ग्वेन के पास पहुंचा और उसे पूरी सच्चाई बताई। उसने बताया कि वो और जॉन दोनों नर भेड़िये बन चुके हैं और जॉन ने ही उसकी माँ और बेन की जान ली है। ग्वेन ने कहा कि वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन लॉरेंस ने मना कर दिया। उसने ग्वेन को बताया कि वो उसे पसंद करता है और किसी भी हालत में उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया, लेकिन तभी फ्रांसिस दरवाजे पर आ गया और लॉरेंस के बारे में पूछने लगा। उसने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन लॉरेंस पहले ही वहां से भाग चुका था। अगले दिन ग्वेन नर भेड़ियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने उस आदिवासी औरत के पास पहुंची। उसने बताया कि बदकिस्मती से इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए लॉरेंस से दूर रहने में ही उसकी भलाई है। उधर फ्रांसिस ने अपने आदमियों को चांदी की गोलियां देकर चारों ओर फैला दिया। उसने उन्हें ऑर्डर दिया कि लॉरेंस को देखते ही गोली मार दें। कुछ दिन बाद लॉरेंस ने घर लौटकर देखा कि उनके नौकर सिंह का किसी ने कत्ल कर दिया था। उसने सिंह के कमरे से बंदूक और चांदी की गोलियां ले ली और सीधा अपने बाप के पास जा पहुंचा। जॉन आराम से बैठा पियानो बजा रहा था और लॉरेंस ने वहां जाकर उस पर बंदूक तान दी। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली चली ही नहीं, क्योंकि जॉन ने कई साल पहले ही बंदूक को खराब कर दिया था ताकि सिंह उसे मार ना सके। आज भी पूर्णिमा की रात थी। आसमान में पूरा चांद चमकने लगा और दोनों बाप बेटा खतरनाक नर भेड़ियों में बदल गए। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन जॉन लॉरेंस पर हावी पड़ रहा था। लड़ाई के दौरान घर में आग लग गई और लॉरेंस ने मौका देखकर जॉन को आग में धक्का देकर जला दिया। उसने अपनी ताकतवर बाजुओं से जॉन का सर धड़ से अलग कर दिया। तभी ग्वेन भी वहां आ गई और लॉरेंस को भेड़िये के रूप में देखकर हैरान रह गई। उसके पीछे पीछे फ्रांसिस भी वहां आ गया और लॉरेंस को देखते ही गोली चला दी, लेकिन ग्वेन ने हाथ मारकर बंदूक हिला दी जिससे उसका निशाना चूक गया। इससे पहले फ्रांसिस उस पर दोबारा हमला करता, लॉरेंस ने उसे पकड़कर उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। इसके बाद ग्वेन ने चांदी की गोलियों वाली बंदूक उठाई और जंगल की ओर भागी। लॉरेंस भी उसके पीछे तेजी से भागा। अब ग्वेन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने बंदूक तान कर लॉरेंस को रुकने को कहा। अचानक लॉरेंस ने उसे पहचान लिया और शांत हो गया। उसी वक्त ग्वेन ने मौका देखकर बंदूक चला दी और वो नीचे गिर गया। कुछ देर बाद वो फिर से अपने इंसानी रूप में आ गया। उसने मरने से पहले ग्वेन का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो ऐसी शापित जिंदगी नहीं जीना चाहता था। अब क्योंकि लॉरेंस ने फ्रांसिस को काट लिया था, इसलिए कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात को वो नर भेड़िया बनकर शिकार पर निकलता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।